मैं पिछली बार जब धरती पे गया था तब मैंने एक राक्षस लोक देखा था जो कि बहुत ही बड़ा था। मैं तो कहता हूँ कि हम धरती के उस राक्षस लोक को हड़प लेते और उन राक्षसों को अपना गुलाम बना लेंगे। क्या कहते हो एलियन भाइयों? एकदम सही कहा, हमें ऐसा ही करना चाहिए। हमारा फिर धरती पर भी एक घर होगा और धरती का खाना तो अरे वाह इतना मजेदार होता है कि बोलो मत, मेरे तो बोलते ही मुँह में पानी आ जा रहे हैं। अरे पेटू चुप हो जा, यहाँ हम युद्ध करके राक्षस लोग हड़पने की बात कर रहे हैं और तुम्हें खाने की पड़ी है। बस फिर क्या था, अगले ही दिन वो लोग निकल पड़े राक्षस लोक के लिए। जैसे ही उनका उड़न्त अस्त्री धरती के राक्षस लोक के पास उतरा, सब वहाँ के जंगल में छिप गए। हम पहले यहाँ रह के इन पे नजर रखेंगे कि ये सब क्या करते हैं और इनके सोने का वक्त क्या है। सब जानने के बाद ही हम इन पे वार करेंगे ताकि इनको मौका ही ना मिले हम पर पलट के वार करने का। अच्छा चलो फिर, तब हम खा के आते हैं इंसानों के बस्ती से। मुझे तो उनके खाने की खुशबू यहाँ दूर जंगल तक भी आ रही है। ना जाने कैसे तू हमारी दुनिया में पैदा हो गया, तुझे तो यहाँ इन इंसानों के घर पे ही पैदा होना चाहिए था। दूसरी तरफ राक्षस लोक में अच्छी खासी चहल पहल चल रही थी। इस बार बारिश आने से पहले ही हम अपने अनाज बचा के रख लेते हैं, क्योंकि पिछली बार हमारे सारे अनाज बर्बाद हो गए थे। इतने मेहनत से हम ये अनाज इंसानों के घरों से चुरा कर लाते हैं और बारिश की वजह से सब बर्बाद हो जाता है। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और जल्दी गड्ढा खोदो। अब चिंता न कीजिए भैया, बारिश आने से पहले ही हम ये गड्ढे अच्छे से खोद कर सारे अनाज इसी के अंदर छुपा कर बंद करके रख देंगे। कैसे बेवकूफ लोग हैं ये, बारिश का पानी क्या जमीन के अंदर नहीं जाएगा? सही कहा है किसी ने, ये राक्षसों के पास दिमाग ही नहीं होता। कुछ देर बाद कुछ राक्षस निकले इंसानों के घर के लिए। उन्हें खाना लेने जाते देख वो मोटा एलियन उनके पीछे पीछे चल पड़ा। इंसानों के घर के पास पहुंचते साथ वो एलियन खाने की खुशबू से पागल हो गया और भागते हुए एक घर के खिड़की के अंदर घुस गया। मम्मी जल्दी देखो, यहाँ एक एलियन घुस आया है। ये सुनते साथ एलियन डर गया और वहाँ से भागने लगा। तब तक उस पूरे इलाके में पता चल गया कि वहाँ कोई एलियन घुस आया है। सब घर के बाहर भागते हुए आए और सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि बाहर राक्षस इधर उधर भाग रहे थे और उन्हीं के साथ एलियन भी इधर उधर भाग रहा था। इस भागम भाग के चक्कर में राक्षस रास्ता ही भूल गए वापस लौटने का, और कुछ देर बाद उनमें से एक को जंगल का रास्ता मिल गया। फिर सब उसके पीछे पीछे भागने लगे और उन्हीं के साथ एलियन भी उनके पीछे भागा, और साथ ही वहाँ के सारे इंसान मशाल लिए जंगल की ओर निकल पड़े उन सबको खत्म करने के लिए। अरे हमारे साथ वो अजीब सा दिखने वाला प्राणी कौन था? ये हो ना हो ये सब उसी के कारण हो रहा है, इस दुनिया का तो लगता नहीं है वो। पीछे से एलियन उनकी बातें सुन रहा था, फिर उसने जवाब दिया। अरे बिल्कुल सही कहा, मैं तो यहाँ का हूँ ही नहीं, मैं तो अंतरिक्ष से आया हूँ यहाँ, मैं एक एलियन हूँ। और ये बात सुनकर राक्षस और भी ज्यादा डर गए। अरे जल्दी भागो रे, ये तो एलियन है, जाने हमारे साथ क्या क्या कर ले, हमारे पीछे पीछे दौड़ना बंद करो। दूसरी तरफ बाकी एलियंस अपने साथी को ढूंढने लगे थे, मगर उन्हें वो कहीं नहीं मिल रहा था। वो ढूंढते हुए उस तरफ बढ़ने लगे जिस तरफ से वो सारे राक्षस भागते हुए आ रहे थे। अरे ये अचानक से भूकंप जैसा क्यों लग रहा है? इस धरती पे न जाने क्या क्या होते रहता है, कभी तूफान तो कभी साइक्लोन तो कभी वायरस, इससे अच्छा तो हम वापस अपनी अंतरिक्ष में चले जाते हैं। तभी सारे राक्षस दूर से भागते हुए आ रहे थे। इससे पहले कि कोई कुछ समझे, सारे एक दूसरे को देखकर डर गए और फिर एलियन भी भागने लगे। ना जाने कौन किससे बच रहा था। कुछ देर बाद सब थक के रुक गए। देखो देखो हमें कुछ मत करना। क्या ना आए थे हम राक्षस लोग पे कब्जा करने, यहाँ डर के भीगी बिल्ली बने बैठे हुए हैं। देखो हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, हमें कुछ मत करना अपने जादू टोना से। और तब तक वहाँ इंसान अपनी मशाल लेके पहुँच गए। सारे एलियंस भाग के अपने उड़न तस्तरी में पहुंच गए और अंतरिक्ष की ओर भाग गए, और सारे राक्षस
अपने अपने पत्थर वाले घरों में छिप गए। न जाने कहां कहां से चले आते हैं मुंह उठा के, कहां भाग गए ये सारे, लगता है डर के छिप गए। अगली बार अगर कोई हमारे इलाके में घुसा तो उसकी खैर नहीं। मंगल ग्रह पर चिन्नी चुड़ैल को मंगलवासियों ने पकड़कर क्वारंटाइन में डाल तो दिया, लेकिन उनको मालूम होना चाहिए था चिन्नी चुड़ैल है इंडिया की। उसे संभालने के लिए उनके पास फौलाद का जिगर और पत्थर का सब्र होना चाहिए। अंतरिक्ष में घूमते घूमते नासा और इसरो का चक्कर लगाते लगाते मैं भी थोड़ी बहुत साइंटिस्ट बनी गई। वैसे भी नासा में अपने इंडियन साइंटिस्ट ही भरे हैं। अगर अपने इंडियंस नहीं होते तो नासा तो टाइफस। इसरो में ही मुझे मालूम पड़ गया था कि यहाँ मंगल में ग्रेविटेशनल फोर्स धरती के मुकाबले 90% है। एक छलांग मारूंगी तो 1 किलोमीटर दूर जा टपकूंगी। अब तू देख मंगल के नमूनों। इसी बीच क्वारंटाइन सेंटर का साइंटिस्ट आ गया। ओ धरती के जीव, इधर आओ, तुम्हारा ब्लड लेना है परीक्षण के लिए और तुम्हारे पूरे बॉडी का स्कैनिंग करना है। ए सुन, तेरी मंगल ग्रह की भाषा मुझे समझ नहीं आती, मेरा ट्रांसलेटर डिवाइस वापस कर। साइंटिस्ट को चिन्नी की बातें समझ आ गई क्योंकि उसके पास ट्रांसलेटर डिवाइस था। उसने कुछ सोच कर चिन्नी चुड़ैल का ट्रांसलेटर डिवाइस वापस दिया। तू औरत है या मर्द, समझ नहीं आता, सबके एक ही चेहरे। मैं औरत हूँ। वाह, मैं भी औरत हूँ। साइंटिस्ट उसे बॉडी स्कैनिंग के लिए लेकर आई। स्कैनिंग मशीन में चिन्नी को घुसाते ही वो चुड़ैल वाली शैतानी शक्ति से गायब हो गई। अरे कहाँ गायब हो गई? ओह, मुझे इनविजिबल चश्मा लगाना चाहिए था, ये इंडियन चुड़ैल मुझे चकमा दे गई। उसने भागकर सायरन बजा दी। मंगल की सारी पुलिस और आर्मी अलर्ट हो गई। भागम भाग मच गया, सब चिन्नी को खोजने में जुट गए। उन्होंने एक ऐसा गैस हवा में स्प्रे किया जिससे चिन्नी चुड़ैल दिखने लगी और फिर सब उसके पीछे भागे। तुम लोगों ने गैस मारा तो मैं दिखने लग गई। ठीक है, अब देख मेरा कमाल, धरती के मुकाबले तेरे 90% ग्रेविटी का कमाल मैं दिखाती हूँ अभी। उसने एक छलांग लगाई तो 1 किलोमीटर दूर जा टपकी। मंगल के पुलिस और आर्मी उसके पीछे भागती रही दिन भर। इस तरह छलांग लगाती लगाती वो मंगल के सैटेलाइट रिसर्च सेंटर पहुँच गयी। हेलो सैटेलाइट सेंटर के साइंटिस्ट, मैं चिन्नी हूँ, धरती की चुड़ैल। हाँ, हम आपको जानते हैं, हमने ही आपको उतरते देखा और आपको क्वारंटाइन सेंटर भेजा। तो मुझे फिर से वापस भेजो धरती पर। कैसे भेजूं? कोई रास्ता ही नहीं है ना। क्यों, तुम तो धरती पर यूएफओ यानी कि उड़न दस्तरिया जब मन आए भेजते रहते हो, उसमें तुम्हारे लोग भी तो धरती पर चोरी से जाते हैं, फिर चोरों की तरह वापस भी आ जाते हैं। वैसे ही एक उड़न दस्तरी में मुझे धरती पर वापस भेज दो। देखिए, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? चोरों की तरह धरती पर जाकर वहाँ की चीजें चुरा कर लाते हो, मगर एक नेक काम कर नहीं सकते। देखो मैं क्या करती हूँ। चिन्नी चुड़ैल भागकर एक उड़न तस्तरी में घुसकर डायरेक्टर चिल्लाता रहा। अरे इस तरह आप उड़न तस्तरी लेकर भाग नहीं सकती, ये नई बनी है, इसका ट्रायल भी हमने नहीं किया, इसमें तो फ्यूल भी कम भरा है। लेकिन तब तक चिन्नी चुड़ैल ने उड़न तस्तरी के अंदर स्विच बोर्ड पर इधर उधर हाथ मारना शुरू कर दिया था। अचानक उड़न तस्तरी एक झटके से उड़ने लगी। गोते लगाती हुई टक्कर मारकर उड़न तस्तरी ने मंगल ग्रह के बड़े बड़े रडार को तोड़ डाला, जिसके सहारे वहाँ के साइंटिस्ट धरती पर उड़न तस्तरी भेजने का काम करते थे। फ्यूल कम था इसलिए चिन्नी की उड़न तस्तरी नीचे आने लगी। नीचे आते आते पार्किंग में रखी उड़न तस्तरियों को टक्कर मारकर उसने बर्बाद कर दिया। चिन्नी दरवाजा खोलकर बाहर आई। देख मैं और क्या क्या कर सकती हूँ, तुझे पता भी नहीं है। मुझे वापस भेजने का हल ढूंढ, नहीं तो हड़कंप मचाकर रख दूंगी मंगल ग्रह पर। ये कहती हुई चिन्नी चुड़ैल खुद से क्वारंटाइन सेंटर वापस आ गई। बस स्टॉप पर एक औरत खड़ी थी, तभी वहाँ पर एक चोर आया और उस औरत की पर्स छीनने लगा। वो औरत चोर चोर ऐसा चिल्लाने लगी। दो लोगों ने आकर उस चोर को पकड़ लिया। वो लोग उसे मारने ही वाले थे
कि एक औरत वहाँ आ गई और उसने कहा, ठहरो, मैं क्राइम एजेंट कंचन हूँ। ये है मेरा आई कार्ड। बहुत दिनों से भेष बदल कर इस चोर की तलाश कर रही थी। अब इसे मेरे हवाले कर दो। लोगों ने चोर को छोड़ दिया। चलो अब मेरे साथ पुलिस स्टेशन। ऐसा कहकर कंचन उसे वहाँ से ले गई। थोड़ी दूरी पर जाते ही चोर ने कहा, अरे अब छोड़ भी दो, गर्दन दर्द कर रही है। क्या चोर है आप, एक छोटा सा पर्स भी चुराना नहीं आता आपको। ये सोचकर कि आप एक खतरनाक चोर हैं, मैंने आपसे शादी की। मुझे नहीं पता था कि तू इतनी बलवान चोर है। ठीक है, मैं बेकार चोर हूँ, लेकिन हम दोनों पति पत्नी की टीम है तो हमें कोई पकड़ नहीं सकता। ठीक है, अब आगे क्या करना है? इस बार एकदम फिल्म के जैसे प्लान किया है। अगले दिन कंचन एक रईस औरत बनकर अच्छे कपड़े और गहने पहनकर, आंखों पे चश्मा लगाकर और एक बहुत बड़ा बैग लेकर एक कपड़े की दुकान में गई। आइए मैडम, हमारी दुकान में आपका स्वागत है। देखिए, चार कीमती साड़ी और चार कीमती सूट चुनकर पैक कर दीजिए, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। दुकानदार ने सब पैक कर दिया। तभी कंचन फोन पर बात कर रही थी। क्या अभी मुंबई आना होगा? इमरजेंसी मीटिंग है और वापस आने की फ्लाइट भी बुक हो चुकी है। लेकिन मेरे पास तो बहुत सामान है, एयरपोर्ट पे चेकिंग में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, देखती हूँ। कंचन दुकानदार से लगेज के बारे में कहने वाली ही थी, तभी दुकानदार, मैंने सब सुन लिया है मैडम, आप लगेज दुकान में ही छोड़ कर जाना, यहाँ पर ये बिल्कुल महफूज रहेगा, कल आकर ले जाना। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, मैं आपके पैसे भी कल वापस आने पर ही दे दूंगी। ओके मैडम। रात को दुकानदार दुकान बंद करके चला गया। अंदर रखा बैग अपने आप खुलने लगा और उसमें से चोर बाहर आ गया। यहाँ वहाँ देखकर उसने काउंटर पे रखे पैसे उठा लिए, पूरा दुकान ढूंढ कर सबसे महंगे कपड़े उठाए और बैग में भर दिए और अपना टिफिन खाने लगा। बाद में दुकान में रखे एक पुतले के सामने जाकर उसके जैसे ही खड़ा हो गया। अगले दिन कंचन दुकान पर आई। उस दुकान के पास कुछ लोग धरना कर रहे थे और मालिक की तानाशाही नहीं चलेगी ऐसे चिल्ला रहे थे। ये क्या हो रहा है, और आज दुकान क्यों नहीं खोली? इस दुकान में काम करने वाले हम मजदूरों ने बंद की घोषणा की है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम ये दुकान खोलने नहीं देंगे, चाहे कुछ दिन लगे, हफ्ते या महीने। उसने दुकानदार से कहा, अरे मेरा सामान अंदर है, उनकी मांगे पूरा करके दुकान खोल सकते हैं ना? आप रुको मैडम, इन लोगों की मांगे पूरी करने बैठा तो मुझे दुकान बंद करके भीख मांगनी पड़ेगी। अंदर नींद से जाकर चोर सोच रहा था कि अब तक दुकान क्यों नहीं खुला है। चोर टॉयलेट ढूंढने लगा, उसे कहीं टॉयलेट नजर नहीं आया। कैसा कंजूस मालिक है, दुकान का एक टॉयलेट नहीं बनाया। ऐसे ही 3 दिन बीत गए, मजदूरों का धरना शुरू ही था। कंचन चिंतित होकर उनके पास गई और, भैया दुकान खोलने दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आपको इतनी चिंता क्यों हो रही है, जाइए यहाँ से। अंदर वो चोर भूखा जमीन पर पड़ा था, बहुत हिम्मत करके उठा। अब और कोई चारा नहीं, अगर कुछ नहीं खाया तो मर जाऊंगा। उसने वहाँ पड़े कुछ स्पंज के टुकड़े, रुमाल और धोती उठाई और उसे सामने रख कर, ये स्पंज नहीं पनीर के टुकड़े हैं, ये रुमाल नहीं रुमाली रोटी है, और ये धोती नहीं ढोकला है। ऐसा कहकर वो रुमाल और स्पंज के टुकड़े करके खाने लगा। थोड़ी देर बाद उसके पेट में दर्द होने लगा। अरे दुकान खोलो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। चोर जोर से चिल्लाने लगा। बाहर के लोग देखने लगे कि दुकान के अंदर कौन चिल्ला रहा है। दुकानदार जी, जल्दी दुकान खोलिए, लगता है अंदर कोई फंसा है। कोई भी फंसा हो,
इन मजदूरों के आगे मैं सर नहीं झुकाऊंगा। अंदर से चोर शटर को मारने लगा और कहने लगा, खोलो खोलो, मैं मर रहा हूँ। कंचन समझ गई कि अब सबको सच बताना पड़ेगा। उसने कहा, मजदूर भाइयों, दुकान खोलने दो, अंदर मेरा पति है, वो मर जाएगा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। फिर कंचन ने सब कुछ सच बता दिया। सब चौंक गए और दुकान खोल दी। अंदर चोर एक साड़ी पहनकर एक पुतली के बाजू में खड़ा था। कंचन ने जाकर उसे एक तमाचा मारा और कहा, चलो अब ये नाटक करने की जरूरत नहीं, सबको सच पता चल गया है, हम पकड़े गए हैं। फिर सबने पुलिस को बुलाकर दोनों चोर पति पत्नी को उनके हवाले कर दिया।